कि गरीब जनता एक एक बूंद पानी पीने के तरस रही है और आप ऐसो आराम की जिंदगी बिताते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, आपका सुख साधन कैसे हो, सरकार कैसे बने, आपका बाल बच्चा आप बने, आपका बाल बच्चा बने। इस देश में एक नियम एक कानून नहीं है, सिर्फ अपनी सोची। अगर आप गैस एजेंसी लेना चाहते हैं, पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं कामी साहब, तो आपके परिवार में किसी एक आदमी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन सांसद अपने परिवार से 6 गो बनना चाहिए। बेरोजगारी पर आप बात मत कीजिए, महंगाई पर आप बात मत कीजिए। हमारे बच्चे जो है कि वो बेरोजगारी की वजह से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। आपने कहा कि 15 लाख रुपया खाता में आएगा, आपका रुपया नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा। हमारी सरकार तो बनी नहीं, और आपकी सरकार तो बनी 2014 में। आपने कहा था कि 15 लाख रुपया हम ला कर के सारे लोगों के खाते में देंगे, आपने दिया नहीं, सिर्फ बातों को बरगलाते हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट का मामला है, आप लोग प्रतिष्ठा का सवाल बना के रखा है। नीतीश जी बना के रखे हैं कि हम बड़ा, आप बना के रखे हैं कि हम बड़ा। और उस हाल में पूर्णिया की जनता, 254 साल पुराना पूर्णिया, बिहार का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, आप उसके बारे में आपका चिंतन नहीं है। पीएम पैकेज से बड़ा कोई पैकेज होता है क्या? आपने 15 में पैकेज दिया है, पुराना सबसे जिला, यहाँ पर जो है कि ये अब उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं आप है? पूर्णिया को जो है कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं आप। यहाँ हाईकोर्ट की जो बेंच होना चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं आप। बच्चों के भविष्य को देख करके केंद्रीय विद्यालय का आप नहीं करा रहे हैं। चीनी मिल को आपने बेच दिया, आप दोनों चोर चोर मोसेरा भाई है ना, जो डबल इंजन की सरकार, आपने बेच दिया अडानी अंबानी को। देखिए कामिल साहब, आप लोग भी समाचार के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। आज जो देश में जो स्थिति पैदा है, लोगों ने करके रख दिया है, ये स्थिति पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। जो देश के भविष्य है, जो बच्चे हैं और उनके भविष्य पर ये जो है नाटक हो रहा है, सारे चैनलों में ये पूछताछ, ये भाई एक्शन लिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री ये कर रहे हैं, वो सीबीआई को दे रहा है, कोई ये कर रहा है। अरे भाई, मामूली सी बात है, जब कोई यूनिवर्सिटी या कोई बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है तो वो पेपर रद्द कर दिया जाता है, उसका दोबारा जो है कि एग्ज़ाम दिया जाता है। अब इस पर बेतहाशा नाटक हो रहा है पूरे देश, कोई ज़रूरत नहीं है। किस कारण से हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए सरकार दोषी है, व्यवस्था दोषी है, और जो वो संस्था जिसके द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो जो है कि उसके लिए दोषी है। एन टी ओ शायद नेशनल टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भाई, आप इसमें शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, चैनल वाले सारे लोगों को बुला के पूछ रहे हैं, बच्चों के भविष्य को अंधकार में रखा जा रहा है। जिस देश में बच्चे के भविष्य को नहीं समझा जाएगा, उस देश के राजनेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है, आप ये बताएं। अरे सीधा सा बात है, प्रश्न पत्र लीक हो गया, आप उस पर अलग से जांच कराइए, दोषी लो। और ये बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, सरकार उसको ढकने के लिए जो है दैट दिस दाएँ बाएँ ऊपर नीचे घुमा रही है लोगों को, बच्चों को, पूरे देश को, सीबीआई जांच, सीडीआई, ये सब क्या है। एक बात है, सीधा सा बात, प्रश्न पत्र लिखवा, एग्जाम कैंसिल, दोबारा एग्जाम होगा और दोषी लोगों को जो है कि सजा मिलेगी। और बार बार जो ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है वो मतलब मनसा स्पष्ट हो रहा है कि ये क्यों प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। अभी देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष का मान लीजिए कि होना है, उपाध्यक्ष का, अरे सीधा सा फार्मूला है भाई, जो सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, उनके अध्यक्ष होंगे, जो विरोधी दल का होगा उनका उपाध्यक्ष होगा। अब उसके लिए दुनिया भर का हंगामा मचाया जा रहा, सारे काम काज को ठप करके जो है हमारे जो देश के मुखिया हैं वो उसमें जो है कि अपना लगे रहते हैं। अरे आप किस तरीके से आपने अपना चुनाव कराया, आपने ये देखे ना, आप भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लोकसभा का 240 सीट मिला और 16 सीट जो है वो क्या है उनका नाम, 16 सीट चंद्रबाबू नायडू को मिला, 12 सीट जो है नीतीश कुमार को, ठीक है। आप उसके सहयोग से और अन्य सहयोगी पार्टियों के सहयोग से आप सरकार बनाए,
हकीकत तो यह है जो राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आज तक हो के आया है, ये हमारे जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उनको पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुला करके उसका नेता का अपना चुनाव करना चाहिए। वहाँ तो उनको डर था कि कोई और नेता का नाम ना आ जाए, वो सीधे NDA की बैठक बुला करके उन्होंने अपना नाम जो है कि नेता के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए चयन करा लिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं में जो घोलमेल है ये बहुत गलत है, ये संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। लोग अपने ये किन प्रकारें कि हम कुर्सी पर बैठे हमारी सरकार बने, इसके लिए सारे नियमों को तोड़ करके मड़ोड़ करके, भाई आज लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होना है, अभी प्रोटेम अध्यक्ष का होना था, तो 9 बार के जो सांसद हैं, 9 बार के जो सांसद हैं वो होंगे या 7 बार के सांसद होंगे? तो मनमोजी सरकार है, हम अपनी भैंस को कुल्हाड़ी से नाथेंगे? नाथिए ना भैया, नाथिए ना, कहने के लिए प्रजातंत्र है ना, राजतंत्र की स्थिति से आपने 10 साल देश को चलाया और आगे भी चलाना चाह रहे हैं, चलाइए ना, पूछने की जरूरत क्या है? भाई सीधा 9 बार का सांसद, नियम है जो सबसे सीनियर सांसद होंगे वो प्रोटेम अध्यक्ष, वो जो है सारे सांसद को शपथ दिलाए, अल्पकालीन ही होता है, लेकिन एक सिस्टम है ना, आप सारे सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके आप जो काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, कहाँ दिक्कत है? अब जैसे 10 साल देश को चलाए आगे और चलाइए, बेरोजगारी पर आप बात मत कीजिए, महंगाई पर आप बात मत कीजिए, हमारे बच्चे जो है कि वो बेरोजगारी की वजह से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। आपने कहा कि 15 लाख रुपया खाता में आएगा, आपका रुपया नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा, हमारी सरकार तो बनी नहीं, और आपकी सरकार तो बनी 2014 में, आपने कहा था कि 15 लाख रुपया हम ला करके सारे लोगों के खाते में देंगे, आपने दिया नहीं, सिर्फ बातों को बरगलाते हैं, हाँ अपने कुछ पत्रकार ऐसे लोगों को प्रवक्ता को रखे हैं, ऐसे कुछ चैनल को रखे हैं जो उसी बात को रखा, हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप अपने तरफ से चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी को आरक्षण मिले, उस पर तो पहले आप अपना सुलझा मामला है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का मामला है, आप लोग प्रतिष्ठा का सवाल बना के रखा है, नीतीश जी बना के रखे हैं कि हम बड़ा, आप बना के रखे हैं कि हम बड़ा, और उस हाल में पूर्णिया की जनता 254 साल पुराना पूर्णिया, बिहार का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, आप उसके बारे में आपका चिंतन नहीं है? PM पैकेज से बड़ा कोई पैकेज होता है क्या? आपने 15 में पैकेज दिया, हाँ पुराना सबसे जिला, यहाँ पर जो है कि ये अब उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं आप, पूर्णिया को जो है कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं आप, यहाँ हाईकोर्ट की जो बेंच होना चाहिए वो नहीं करा रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य को देख करके केंद्रीय विद्यालय का आप नहीं करा रहे हैं, चीनी मिल को आपने बेच दिया, आप दोनों चोर मोसेरा भाई है ना, जो डबल इंजन की सरकार आपने बेच दिया अडानी अंबानी को, और अडानी अंबानी जो है कि नहीं आपने दिया बियाडा को, बियाडा ने दे दिया, ये सब जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो राजनीतिक सोच रखते हैं उनको मालूम है कि आप कर क्या रहे हैं, लेकिन संख्या बल भारी होता है। वाजपेयी जी ने कहा, वाजपेयी जी कहे थे एक बार सदन में कि मैं संख्या बल के आगे सर झुकाता हूँ और अपना जो है कि त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जाता हूँ, जहाँ एक वोट से वो हार गए थे। आपको इससे सीखना चाहिए, संख्या बल पर है ठीक है, आप मनमोजी कीजिए ना, कौन रोक रहा है, क्या हो रहा है इस देश में या राज्य में, सिर्फ ये चिंता है कि हमारी पार्टी बचे, हमारी सरकार बने, जनताओं की कोई चिंता नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप कीजिए ना, जो राजनीतिक सोच रखने वाले हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके आपके कारनामों को, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, सारे लोग अपने लिए, पार्टी के लिए नहीं है। आज आप बिल ला रहे हैं कि सांसदों का, विधायक का जो है कि वो तनख्वाह जो है कि बढ़ेगा, आपको चिंता है किस देश के बेरोजगारों को? भाई ये सेवा का है, किसी भी विधायक या सांसद को अगर मेरा ख्याल हो तनख्वाह नहीं मिलना चाहिए, ये सेवा का है। हाँ ठीक है, वो जो क्षेत्र में जाएंगे भ्रमण करेंगे उसका TA DA भत्ता होना चाहिए, तनख्वाह की क्या जरूरत है, तनख्वाह की क्या जरूरत है? आप तनख्वाह दिला रहे हैं, उसको बढ़ोतरी कर रहे हैं, शुद्ध पानी पीने से लोग तड़प रहा है, सारे चैनलों में दिखा जा रहा है, आप राजा बने बैठे। राजा वो होता था पहले, जो पहले रात में 12 बजे के रात में निकल करके जनताओं के दुख तकलीफ को समझता था, राजा उसका नाम। आज का राजा ये नहीं, आप सुख साधनों में जो है कि बिल्कुल है, जनता को शुद्ध पानी इस गर्मी में पीने को नहीं मिल रहा है, तरस रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। आप नए चैनल को देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप नए चैनल में देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि गरीब जनता एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस रही है,
और आप ऐसो आराम की जिंदगी बिताते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, आपका सुख साधन कैसे हो, सरकार कैसे बने, आपका बाल बच्चा आप बने, आपका बाल बच्चा बने। इस देश में एक नियम एक कानून नहीं है, सिर्फ अपनी सोची। अगर आप गैस एजेंसी लेना चाहते हैं, पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं कामी साहब, तो आपके परिवार में किसी एक आदमी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन सांसद अपने परिवार से 6 गो बनना चाहिए, बेटा पुतो समधन बेटी बनना चाहिए ना। हाँ, ये कानून में बदलाव नहीं। हाँ, और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी कोई लगा परिवार में एक सदस्य को होना चाहिए। क्या कानून ला रहे हैं, क्या संशोधन किया? अगर आप में इतनी हिम्मत है प्रधानमंत्री जी, तो पहले आप इन सारे मुद्दों पर जो बहस करा करके इसमें पहले काम कीजिए ना। इस देश में कानून क्या होगा, कैसे जनता को, अरे एक एक परिवार से। लालू जी प्रधानमंत्री जी की सारी बुराई है, लेकिन दो काम उनका जरूर अच्छा है। एक तो काम उनका अच्छा ये है कि परिवारवाद पर जो बोलते हैं ये सही है, राजनीति करने के लिए जो है कि परिवार के हम और हमारा बेटा ही बने, ये सही है। और कुछ दिन पहले तक जो सामान्य कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिसमें समझ बूझ राजनीति हुआ करते थे, उसको वो MP MLA का टिकट देते, ये लालू जी भी करते थे, ये लालू जी भी करते थे। ये दो काम आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक काम में फिर आपने कमी ला दिया। आप अभी लोकसभा का जो है कि टिकट उन्हीं परिवारों को दिया, उन्हीं लोगों को दिया जो लोग सामंतवाद थे, जो सामर्थवान थे, जो अपना जो है कि ऊँचे उच्च चोटी में अपना पहुँच रखते थे राजनीति में। यहाँ पर इस बार आपने जो है कि आपसे ये जो है कि इस चीज़ को आप भूल गए। आपने जरूर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में बनाया, आप जो धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी हो गई अचानक जो लोकसभा चुनाव में आप इन सारी चीज़ों को भूल गए, आपने किया नहीं। तो ये सारी बातें हैं। अभी भाई तनख्वाह बढ़ा रहे, लोग रहने के लिए तरस रहे हैं, आप जो है कि वो संसद भवन दूसरा बना दिया, और वो कौन छड़ी और ये मतलब यही सब चीज़ में लगे हुए हैं कि हम और हमारा चेहरा, हमारी पार्टी कैसे प्रदर्शित हो, देश और दुनिया की जनता भाड़ में जाए। एक बहुत बड़ा कहावत है कि भाड़ में जाए जनता, है ना कोई एक कहावत, तो वही आप चरितार्थ कर रहे हैं। अपना काम तो बनता, अभाड़ में जाए जनता, तो आप अपनी काम तो बना रहे हैं, अपना सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है इस देश। लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, लोग सुरक्षित हैं। आए दिन यही नीतीश बाबू थे, 2005 में सुशासन की सरकार होती थी, आज कहीं लोग सुरक्षित है, कोई माँ बहन सुरक्षित है? रोज हत्याएं हो रही है, रोज घटना, रोज समीक्षा हो रही है। हम ऐसे लोगों में से नहीं है, कुछ ऐसे नेता हैं। अब जैसे बिजली पर जो है कुछ नेता जो है कि भाषण दे देंगे, ये हड़ताल होगा, वो हड़ताल होगा, स्कूटिव इंजीनियर से और चीफ इंजीनियर से अब मिल करके अपना जो वो कर, ऐसे लोगों में से नहीं है। कल भर रात बिजली नहीं रहा। हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, जो जनता पर यूनिट पैसा देती है, वो 24 घंटे बिजली के लिए जो महंगा है पर यूनिट जो बिजली का दर है, और आप कहते हैं आज ये पंचर हो गया, कल वो शोल्डर जल गया, परसों वो तार गिर गया। एक टेंट हाउस वाले का अगर आप टेंट लेते हैं कामिल साहब, उसमें अगर आप एक इंजन लेते हैं, जनरेटर लेते हैं, तो वो दो जनरेटर रखता है। क्यों रखता है, सबक सीखिए ना। एक छोटा सा टेंट हाउस से वो दो जनरेटर इसलिए रखता है कि मेरा एक जनरेटर अगर इनकेस अगर फेल हो जाए, तो दूसरा जनरेटर स्टार्ट करके कोई भी जो है सुख सुविधा में या कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं आना चाहिए। आप पैसा हमसे ले रहे हैं बिजली का, आप पैसा हमसे बिजली का परमिट ले रहे हैं कि 24 घंटे आपको हम बिजली देंगे और अच्छा होगा, लेकिन आपके पास व्यवस्था नहीं है, दूसरा सब्सिडी व्यवस्था आपके पास नहीं है कि पंचर हो गया तो दूसरे फीडर से आप जोड़ दिया, दूसरे सिस्टम से आप जोड़ दिया। पैसा आपको चाहिए सरकार, लेकिन जनता को सुविधा नहीं। भर रात इस भीषण गर्मी में पूरा नगर परिषद रहा या नहीं रहा, आप भी रहे ना, आपका भी तो घर नगर परिषद है, बोलिए ना श्रीमान जी, भर रात बिजली रहा, आँख मिचौली करता रहा, 1 मिनट 2 मिनट, वो भी 1 बजे 1.5 बजे रात में दिया तो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट फिर बिजली कौन है। हम ऐसे लोगों में से नहीं है। मैं बिजली विभाग को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर सुधर जाओ, वरना अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन आपके ऑफिस में कस्बा अपितु नहीं स्कूटिव इंजीनियर के भी कार्यालय में ताला जड़ देगा। हम वैसे लोगों में से नहीं है, जब हम आंदोलन करेंगे तो जड़मूल तक जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ अखबार में नाम कमाने के लिए। अभी कुछ आया कि भाई वो गेहूँ पकड़ा दिया, आया था ना, आप दिया था ना, क्या SFC से गेहूँ FCI में आ रहा था, पकड़ाया, क्या हुआ रिजल्ट? आप लोगों तक अखबार में बहुत छापा, ये गेहूँ पकड़ा गया, वो बिल नहीं है, ये बिल नहीं है, रिजल्ट क्या आया, क्या हुआ? उन दोषियों को सजा मिला
या वो गलत गेहूं था कि सही गेहूं था, इसका कोई उसके बाद में आप लोगों ने अखबार में छापा? क्या हो रहा है? क्या मिली भगत हो रहा है? हम अखबार में अभी समाचार दे दें ये काम हो रहा है, हम दूसरे से जो उधर से मिल करके अब पतली गली से उसका रफा दफा हो जाए, क्या चल रहा है? रामिल साहब कुछ नहीं है, सारे जनता को ढकोसला दिखा करके सारे जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। और यह हमारी जो जनता है वो इस देश की जनता भोली भाली जनता है। एक कहावत है कि भोली बातों में बेगुनाह फंस जाते हैं और लगा के ठहा का मुजरिम बन जाते हैं। तो आप तो भोली बातों में बेगुनाहों को फंसा करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद आप ठहाका मारते हैं, आप हंसते हैं, आप एसी में रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, ऐस मौज करते हैं, जनता भाड़ में जाए, शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिले, दो वक्त का रोटी नहीं मिले, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिले, विद्यार्थियों को जो है वो एग्जाम देने के लिए जो है बार बार पैसा देना पड़े। आपको पता है 24 लाख बच्चा का जो भविष्य अभी लटका हुआ है और कितने विद्यार्थी ने अप्लाई किया? 1500 रुपया पर विद्यार्थी दिया, कितना पैसा सरकारी कोष में गया? कितने बच्चों ने जो है कि बस में लटक करके रेल में सफर करके एग्जाम देने गया? आपको बच्चे के भविष्य की चिंता है? नहीं है, आपको अपनी चिंता है। सारे इस देश में क्या हो गया, जिस राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय वर्तमान राष्ट्रपति ने कमेंट किया था, जहाँ तक मुझे याद है, आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है? और हमको तो लगता है कि आज इस देश को हो क्या गया है, कैसे राजनेता लोग जिसको शुद्ध बुद्ध नहीं है अपने और अपने परिवार और अपने पार्टी और अपना जो है कि कैसे हमारी मजबूती, हमारा चेहरा कैसे निकले। चलिए, मैंने बहुत बात कहा, कहने के लिए बहुत बात है, फिर आप मिलेंगे, आपसे हमारी बात होगी, फिर कहीं मिलेंगे तो बताएं। अरे अनिल कुमार साहब मेरा नाम है, प्रभारी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूर्णिया कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल से है। सामाजिक कार्यों में थोड़ा रुचि रखते हैं, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो हमारा ज्ञानवर्धन कर देंगे, सही अगर कहा तो इसे अखबारों के आप मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम कीजिए, जनता को लाभ मिले, यही आशा और उम्मीद के साथ। मैं मोहम्मद इरफान कामिल।